सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिले के सभी प्राइवेट स्कूल आज रहेंगे बंद। शासन के अड़ियल रवैये से परेशान है स्कूल संचालक। छतरपुर जिले के सभी प्राइवेट स्कूल आज शासन के अड़ियल रवैये और असमय आठवीं और पाँचवीं क्लास को बोर्ड एग्जाम में लाने की प्रक्रिया की वजह से बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अपने अपने स्कूल संस्थान बंद रखेंगे और प्रशासन को अपनी मांग से अवगत कराएंगे। सिलवानी सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह पवार ने 14 अक्टूबर 2022 तक आरटीई फीस देने की घोषणा की थी, किंतु 10 अक्टूबर को राज्य केंद्र के आयुक्त भोपाल ने फंड होने पर अक्टूबर माह के अंत तक भुगतान किए जाने को कहा है, जिससे स्कूल संचालक जो कोरोना काल से आर्थिक संकट से बंद होने की स्थिति में हैं और यदि आरटीए फीस नहीं मिलती है तो और दिक्कत का सामना हो जाएगा। इसी तरह प्रशासन द्वारा पांचवीं आठवीं की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कराने की मांग रखी और दलील दी कि यूं अचानक बोर्ड परीक्षा के फरमान से बच्चों को मानसिक तनाव बढ़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप ये पांचवी और आठवीं बोर्ड एग्जाम जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिड सेशन में आदेश जारी किया कि बोर्ड होगा, पाठ्यक्रम अलग अलग प्रकार के कई विद्यालयों में संचालित हैं, जिसमें बच्चों पर भार अधिक आएगा और बच्चे मानसिक तनाव में हैं। मेरा शासन से अनुरोध है इस वर्ष इस निर्णय को। क्या नाम है आपका? जी, मुकेश कुमार मिश्रा, सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर, जिलाध्यक्ष। और आज छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी को एक दिवसीय हड़ताल के लिए सूचना दी गई है, क्योंकि हम लोगों की जो मांगे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र की तानाशाही एक तरफ, आज कम से कम 3-4 माह विद्यालय में कोर्स चलते चलते हो गया और राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश निकाला गया कि पांचवी आठवीं बोर्ड परीक्षा है और बच्चे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे ये तो मैं ही जानता हूं और सभी संचालक साथी जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, कैसे उस कोर्स को पूरा करेंगे। और अगर उनको आदेश करना ही था तो जुलाई माह अप्रैल में आदेश करते तो हम लोग उसका पालन भी करते। और दूसरी चीज़ है, एक तरफ राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश निकाला गया कि 14 तारीख को माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा वन क्लब के माध्यम से जो हम लोगों की आईटी की जो पैसा है जो 2020 और 2021-22 का, उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से स्पष्ट लेटर निकाला गया था कि 14 तारीख को वन क्लब के माध्यम से आप सभी के खातों में जाएगा। और हम आपको बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र की तानाशाही और उस लेटर को झूठा, वो लेटर झूठा साबित हुआ। हम सभी लोग आज इस स्थिति में हैं कि दीपावली किस प्रकार से मनाएं, और हम आपको बता दें कि दीपावली के लिए हम लोग मास्टरों की शैली किस प्रकार से दें। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल संचालक और शहर के छोटे छोटे स्कूल संचालक बहुत परेशान हैं और राज्य शिक्षा केंद्र की तानाशाही एक तरफ और दूसरी तरफ स्कूल की परेशानी कोई सुनता नहीं। इसलिए हम सभी लोगों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि 18 अक्टूबर को स्कूल बंद रखेंगे और छतरपुर का समस्त और पूरा मध्य प्रदेश इसमें सहमत है और सभी मध्य प्रदेश के स्कूल 18 तारीख को बंद रहेंगे।